नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप मोराटोरियम 3 या लोन रिस्ट्रिंग का जो ऑप्शन है अगर लेते हो या लेने वाले हो, तो क्या आपके सिविल स्कोर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपको भविष्य में क्या दिक्कत हो सकती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आरबीआई के अनुसार अनाउंसमेंट था, किसी भी पर्सन का कोई भी सिविल स्कोर ना डाउन होगा ना खराब होगा, जैसे सिविल स्कोर है वैसे का वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा भविष्य में भी, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था। बट दोस्तों, यहाँ पे काफी लोग मोराटोरियम लिए तो काफी लोग का जो सिविल स्कोर है मोराटोरियम के अंडर में भी खराब हुआ, और काफी लोग जो है अब लोन रिस्ट्रिंग का जो ऑप्शन आया है बैंक और कंपनी दे रही है, बहुत सी बैंक और कंपनियां दे रही हैं, कुछ कंपनियां नहीं दे रही है। तो यहाँ पे हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, अगर हम लोन रिस्ट्रिंग करवाते हैं तो क्या हमारा सिविल स्कोर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, आरबीआई के अनुसार तो ऐसा ही खबर है कि किसी का खराब नहीं होगा, बट कुछ कंपनियां कुछ बैंकें ऐसी हैं कि आपके सिविल स्कोर में कुछ इफेक्ट डाल रही हैं। अगर आप लोन रिस्ट्रिंग करवाते हो तो इसमें आप इतना समझ लो, मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन आपको देना चाहता हूं कि आपका जो सिविल स्कोर है वो पूरी तरीके से नहीं इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो आपका लोन है कंपनी को धीरे धीरे मिल रहा है, क्योंकि अगर एक साथ पैसा से क्या है कि उनका जो अमाउंट है, मान लो अगर 2 लाख रुपए का अमाउंट है, अब वही अमाउंट अगर उन्हें 2 साल में मिलता है, अगर वही अमाउंट उन्हें 6 महीने में मिल जाए तो उनके लिए अच्छा रहे, तो उनका जो पैसा है वो और टाइम के बाद कस्टमर जो है उनको दे रहे हैं, तो इसी चलते क्या है कि आपके सिविल में इफेक्ट आ सकता है। बाकी आरबीआई की तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं है क्लियर हुआ है कि आपका सिविल खराब होगा, ये बातें बताया गया था, बट क्या है काफ़ी लोगों का खराब हुआ है, मेरे पास प्रूफ भी है और काफ़ी लोग रिपोर्ट भी किए आरबीआई को, फिर भी उनका सिविल स्कोर पूरी तरीके से सही नहीं हुआ। तो अगर आपके पास पैसे अगर कुछ आ रहे हैं, ज़्यादा लोन आपके पास नहीं है, तो आप लोन रिस्ट्रिंग का जो ऑप्शन है मत लेना, आप टाइमली जो है अपना अमाउंट पैड करते रहना, आपका जो सिविल स्कोर है कुछ तो वो बचा रहेगा। अगर आप उसको लोन रिस्ट्रिंग करवा लेते हो या मोराटोरियम ले लेते हो, तो मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता कि आपका जो सिविल स्कोर है वो वैसे का वैसे रहेगा, वो खराब भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनियाँ हैं वो कभी भी नहीं सोचती है कि कस्टमर का जो सिविल स्कोर है वो हाई हो। अगर आप उनका पैसा देते हो तो वो आपके अपने हाई, जैसे कि आपका जो सिस्टम होता है, जैसे उनका जो सिस्टम होता है, अगर आप पैसा उनका टाइमली पेमेंट करते हो तो आपको हाई लेवल में रखते हैं और अपने लिस्ट में आपका नाम डाल के रखते हैं कि ये पैसा हमारा टाइम पर देने वाले हैं। और जो लोग पैसे टाइम पर नहीं देते हैं तो उनका जो सिविल स्कोर है, उनका जो रिकॉर्ड है, कंपनी अपने अंडर में पूरी तरीके से मेंटेनेंस नहीं करती है, क्योंकि कंपनी और बैंक हमेशा जो है अपने वही कस्टमर को अपने पास रखती है जो उनका टाइमली बिल पेमेंट या लोन पैड करते हैं, तो डिफॉल्टर को कंपनी बैंक नहीं रखती है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग डिफॉल्टर नहीं बन रहे हो, आपने अमाउंट को स्मॉल छोटा करके पैड कर रहे हो, फिर भी कंपनी और बैंक की निगाहों में आप एक प्रकार से डिफॉल्टर रहोगे, वो घोषित तो नहीं कर पाएंगे बट सिविल में आपके वो इफेक्ट धीरे धीरे डालते रहेंगे, उतना ज्यादा ब्यौरा नहीं दे पाएंगे, तो क्या होता है कि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आप लोग से मेरा यही विनती है कि पैसे की अगर थोड़ी सी अगर बंदोबस्त आपके पास आ रही है तो आप पैसा पैड करते रहो, ज़्यादा लोन रिस्ट्रिंग के चक्कर मत पड़ना, क्योंकि इससे आपको प्रोसेसिंग फीस भी देना पड़ सकता है और आपके लिए सरदर्द बना ही रहेगा। मैं आपको हर वीडियो में शेयर करता हूं कि आप जो है हमेशा एक रोटी कम खा के आप गुजारा कर लो, बट ज़्यादा लोन लेने की कोशिश मत करना, लोन हमेशा सरदर्द बना रहेगा। लोन अगर आप आज लोगे तो कल आपको पैड करना पड़ेगा, और अगर आप कमाए हुए पैसे के रखे रहोगे तो वो पैसा आज रखोगे तो वो पैसा कल को आपको थोड़ा ज़्यादा ही आपके लिए लाभदायक होगा, बट लोन कभी भी आपके लिए लाभदायक नहीं हो सकता है। लोन उनके लिए होता है जो लोग के पास ज़्यादा फैमिली में लोग सरकारी गवर्नमेंट जॉब करने वाले होते हैं, बड़े बड़े लोग बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, अगर उनका लॉस जाता है तब भी वो अपना जो है एडजस्ट कर लेते हैं। जो बेचारे कम प्रॉपर्टी या कम घर मकान या खेत जमीन कम है, कमाने वाले कम है, तो उनके लिए लोन थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी लोन तो इंसान मजबूरी में लेता है, बट मैं अभी रिक्वेस्ट एक करूंगा, अपने जेब खर्च को थोड़ा कम कीजिए, लोन कम लीजिए और पैसे को सेविंग कीजिए, वो आपके लिए एक वरदान रहेगा, क्योंकि आपका पैसा हमेशा आपके साथ दोस्त बन के खड़ा रहेगा। लोन का जो पैसा कोई गारंटी नहीं है, वो हमेशा आपके सर के बाल को हमेशा झाड़ता ही रहेगा, ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो ये है मोराटोरियम और लोन रिस्ट्रिंग का पूरा सच, जो मैं आपको शेयर किया हूँ। क्या आपको सही लगा, क्या आपको गलत लगा, मुझे जरूर वीडियो में बताना, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो
साथियों, अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना। क्या हमें मोराटोरियम और लोन रिस्ट्रिक्शन का जो ऑप्शन लेना चाहिए नहीं चले जरूर बताना। बस इतना ही कहना था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।